ऑफिस गोइंग वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स, लैपटॉप की जरूरत सभी को होती है। कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो या फिर असाइनमेंट, हम उसे लैपटॉप पर ही पूरा करते हैं। इन दिनों टैबलेट्स तेजी से लैपटॉप को रिप्लेस करने लगे। इसकी वजह है कि टैबलेट लैपटॉप के मुकाबले हल्के होते हैं और आप इनसे 2-in-1 काम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे सेलफोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसे लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे पास जो डिवाइस है वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e और आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। लैपटॉप की तरह दिखने वाला यह डिवाइस क्या आपके लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, आइए जानते हैं। यह कंपनी का अब तक का सबसे पतला और हल्का टैबलेट है। इसकी मोटाई 5.5 mm है और इसका वजन 400 ग्राम है। इस डिवाइस को आप कंफर्टेबली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसमें 10.5 इंच की स्क्रीन दी गई है जो ऑनलाइन गेम्स खेलने और वीडियो ब्राउजिंग करने के लिए काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस देता है। इसमें सॉलिड मेटल बॉडी के साथ डिजाइन किया गया है जो इसे काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। टैब के राइट साइड में पावर बटन दिया गया है। पावर बटन के साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी इंटीग्रेट किया गया है। पावर बटन के नीचे ही वॉल्यूम की दी गई है। इस टैब में सिम ट्रे भी दिया गया है जिसे आप माइक्रो स्टिक कार्ड और 4G सिम लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e दो ऑप्शन के साथ आता है। इसमें एक वेरिएंट में आपको केवल वाईफाई सपोर्ट मिलता है जबकि दूसरे वेरिएंट में LTE और वाईफाई सपोर्ट दोनों मिलता है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 10.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। इसका पिक्सल रिजोल्यूशन 2560x1600 है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 18:8 है। इस टैब में IP रेटिंग नहीं दी गई है यानी यह डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट नहीं है। ऐसे में आपको इसको थोड़ा सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना होगा। धूप में जाने पर इसमें ब्राइटनेस को लेकर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ज़्यादा रोशनी में भी आप इसकी स्क्रीन को अच्छे से देख सकते हैं। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। टाइप 2 रैम ऑप्शन 4GB और 6GB के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 64GB या फिर 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है जिसे आप माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको गेम खेलने और वीडियो देखने के साथ ही मल्टीटास्किंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। इस टैबलेट के साथ एक डिटेचेबल कीबोर्ड भी आता है जिसके लिए आपको अलग से 7,999 रुपये देने पड़ सकते हैं। यह कीबोर्ड इसे कवर का भी काम करता है। इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप दी गई है जो टैबलेट को कीबोर्ड से अटैच करने में मदद करती है। इसे लैपटॉप की तरह इस्तेमाल करने के लिए इसमें सैमसंग डेक्स फीचर भी दिया गया है। इसे इनेबल करते ही इसकी स्क्रीन कंप्यूटर की तरह दिखने लगेगी। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। यह एंड्रॉयड 9 पाई पर आधारित One UI 1.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें डिजिटल वेलबींग और बिक्सबी 2.0 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें यूजर्स के लिए नाइट मोड भी दिया गया है, इससे आंखों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। टैबलेट के परफॉर्मेंस और फीचर्स के बाद अब बात करते हैं इसके कैमरे की। वैसे तो टैबलेट्स को बेहतर कैमरा वाला डिवाइस नहीं कहा जाता है लेकिन इसके कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। आप इससे बेहतर तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है जिसका अपर्चर F2.0 है। यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। इस टैबलेट से आप बेहतर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, यही नहीं यह लो रोशनी में भी अच्छी तस्वीर ले सकता है। इसके फ्रंट पैनल पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इससे आप ठीक ठाक सेल्फी भी ले सकते हैं। इसे पावर देने के लिए 7,040 mAh की बैटरी दी गई है जिससे आप 10 से 12 घंटे तक औसत इस्तेमाल कर सकते हैं। गैलेक्सी टैब S5e के वाईफाई वेरिएंट की कीमत 35,999 रुपये है, वहीं इसके LTE वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है। इसे डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए हम पूरे नंबर दे सकते हैं। इसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।